सड़क दुर्घटना में मौत के बाद परिजन को बगैर सूचना दिए पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम। आक्रोशित परिजनों ने रोड जाम कर की आगजनी। भागलपुर बाद थाना क्षेत्र के आभा मुक्तपुर गांव के समीप देर रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दो व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान मुक्तपुर निवासी सौरभ कुमार और भीखुरद निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों को घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने बिना जानकारी के ही मृतक का पोस्टमार्टम कर दिया, जिससे नाराज लोगों ने रोड जाम कर आगजनी की। इधर घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल बना है। सड़क जाम की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। के लगल प्रशासन ने तो उनका सूचना नहीं दिलक पड़ी चाबी चौकीदार दे दिलके उनका नाना कारू ले गेले उठा जानकारी नहीं दिलके लाश लेके उठा चली गेले कहीं नहीं गेले लेके। अच्छा धूल मिट्टी भी दे दिया। क्या बजे का घटना था? धूल धूल थाना दिया है। 3:30 बजे फोन कर लेके तो मतलब 3:30 बजे जो नहीं छी 3:30 बजे लगभग वो दोनों लड़का कहां से आ रहा था? कुमारपुर से भोज खाने के लिए। भोज खाने के लिए मोटरसाइकिल से गया था कि पैदल गया था? ये पता नहीं है, मोटरसाइकिल से गया होगा। तो आप लोग को जाम करने का क्या वजह है? मुख्य कारण वजह है कि लाश लाके काल गया। हम लोग को जानकारी काहे नहीं दिया वो? यानी कि प्रशासन के खिलाफ में आप लोग जाम रोड जाम किए हैं? यहाँ की कहे लाश सुबह में नमसनी में जब दोनों पर लिए लाश चाबी के। क्या क्या नाम था दोनों लड़का जो छात्र था जो छात्र डेट किया उनका क्या नाम था? नीतीश कुमार सौरभ कुमार। दोनों कहाँ का रहने वाला था? एक आबा का था एक का था। उनका पिताजी का क्या नाम हुआ जो सौरभ का हुआ? कारेलाल मंडल। कारेलाल मंडल नीतीश दो तीन उसके साथ में था एक लड़का तो आपको सूचना नहीं दिया कैसा? पुलिस ना चौकीदार कोई नहीं बोला। हमारा यही एगो बेटा था, कोई नहीं रहा न केस न पतार। हम किसके देख कर रहेंगे? मेरा भी साथ में मार दीजिए, मर जाएंगे। तो प्रशासन और उससे क्या मांग है आपको? क्या लगता है उसका हत्या कर दिया गया है? हत्या कर दिया है, हत्या कर दिया। अगर गाड़ी से एक्सीडेंट होता तभी खून रोड में छिया भी आ रहा था। भोज खाने के दादी गई थी तो मोटरसाइकिल से गया था।